नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में फ्रांस का दौरा किया था। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर दोनों देशों की किन मुद्दों पर बात हुई, उसकी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रां के बीच पेरिस में नागरिक परमाणु ऊर्जा के मुद्दे पर बातचीत हुई। कार्बन रहित अर्थव्यवस्था के लिए नागरिक परमाणु ऊर्जा बेहद अहम है और आज फ्रांस में 70 से 80% ऊर्जा इसी स्रोत से आती है। हालांकि इसके लिए बड़े निवेश की जरूरत है। मानसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। यह एक औपचारिक बैठक होगी जो संसद सत्र शुरू होने से एक दिन पहले शाम में होगी। इस बैठक में सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों समेत प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत करेंगे। मोदी सरनेम मामले में सजा पाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। कोर्ट ने कहा है कि वह 21 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगी। मारुति सुजुकी ने अपनी प्रमुख कॉम्पैक्ट एसयूवी ग्रैंड विटारा की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। कार निर्माता ने कहा कि एसयूवी की कीमत अब तत्काल प्रभाव से सभी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट के लिए ₹4,000 तक बढ़ जाएगी। कीमत में बढ़ोतरी के पीछे का कारण ग्रैंड विटारा के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन में एक नया सेफ्टी फीचर शामिल होना है। एसयूवी जो तकनीकी पर टोयोटा कार्बन क्रूजर हाईराइडर की जैसी है, ह्यूंडई क्रेटा किया सेल्टॉस जैसी अन्य कारों को टक्कर देती है। मुंबई पुलिस ने बताया कि धमकी देने वाले अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 509(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है। आरोपी को जल्द हिरासत में लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस नए टर्मिनल भवन का निर्माण 710 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। कहा जा रहा है कि इससे केंद्र शासित प्रदेश में कनेक्टिविटी को रफ्तार मिलेगी। भारत ने अपने एंट्री की तैयारी कर रही और अपने रोड मैप को आखिरी रूप देने से पहले ही टेस्ला का पहला प्रतिद्वंदी भारत आ सकता है। अमेरिका में स्थित एक इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप फिस्कर ने कहा कि वह अगले कुछ महीनों में अपनी फ्लैगशिप मोशन इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ भारत में एंट्री करेंगी। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन मीणा से यूपी एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। सोमवार को भी सीमा सचिन और सचिन के पिता से यूपी एटीएस की टीम ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। देर रात यूपी एटीएस की टीम सीमा हैदर और सचिन के पिता को घर छोड़ गई। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर लगी रोक हटा दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत ने गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लगाने वाले गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश को हटा दिया। याचिका पर नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और एस वेंकट नारायण भट्टी की पीठ ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। देश में टमाटर की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश भर में टमाटर के दाम 150 से 200 रुपए प्रति किलो तक पार हो गए हैं। आलम यह है कि आम नागरिकों के लिए खाने में टमाटर का इस्तेमाल करना हकीकत से काफी दूर है। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच नवी मुंबई में दो मजदूरों ने कथित तौर पर 90 किलो टमाटर चोरी करने का प्रयास किया। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ।